हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। अगर हम लोग सिलाई करते हैं तो हमें सिलाई मशीन के पार्ट्स रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ खास इंपॉर्टेंट पार्ट इमरजेंसी के लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपको क्या है कि मार्केट में बार बार भागना पड़ेगा या मिस्त्री के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और बहुत ही यानी कि सस्ते दामों में आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, जो कि अगर आप इनकी जानकारी ले लेंगे तो फिर आपको कोई ठग नहीं सकता है और आपको महंगे दामों में नहीं दे सकता। मिस्त्री लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ले आते हैं, जैसे कि 10 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में डाल देते हैं या 50 वाली चीज़ 100-150 में डाल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम पार्ट्स आपको दिखाने वाले हैं, जो कि आप अपने दिमाग में उनके रेट रखें, जब मर्जी आए तब आप लेके आ सकते हैं, तो आपको कोई फिर ठग नहीं सकता है और ना ही एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है। तो चलिए इसी पर हम वीडियो आज बना रहे हैं, आपको कुछ मेन उनकी प्रॉब्लम भी बताएंगे कि उन पार्ट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, यानी कि सिलाई मशीन के पुर्जों की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, और उन्हें डाल देंगे तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। तो बस इसी पर हमने वीडियो बनाया, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट करें, कोई भी समस्या है मशीन से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें हमें, क्योंकि हम आपकी कमेंट का वेट करते रहते हैं, उसी पर हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको जैसे आज आपने कमेंट की है तो कल या परसों में आपको वो वीडियो हम बनाकर ज़रूर दे देंगे, या शायद अगर हमारे पास रखा होगा ऑलरेडी तो हम तुरंत भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा किसका है, सबसे पहला नंबर है हमारा इस पुर्जे का, देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारी मशीन की आगे लगाई जाती है, इसे बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि टेंशन हमारी ख़राब हो जाती है तो हम नहीं लेने जाते हैं, तो कम से कम 50 रुपये की, कम से कम मिनिमम बता रहे हैं आपको, कम से कम 50 रुपये ले लिए जाते हैं, ले लिए जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके प्राइस की बात करें तो बहुत ही सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र ये 25 रुपये की आई है, आप पे 50 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर लग जाते हैं। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं दूसरी एक और चीज़, दूसरी है ये, देख सकते हैं ये है हमारी मशीन का धुरा, ठीक है। ये घर पर भी डाल सकते हैं इजीली, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको धुरा डालकर भी दिखा देंगे। और ये कितने का मिलेगा, ये अगर फुल इसका सिस्टम देखें, ठीक है, इसमें इसके साथ ये भी लगा हुआ होता है, देख सकते हैं ये बैरिंग वाले धुरे हैं, एक बार अगर आपने डलवा लिए तो कभी दोबारा ख़राब नहीं होगी मशीन, चाहे पैरदान पूरा टूट जाए लेकिन हमारी ये ख़राब नहीं होने वाली है, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं और ऑलरेडी चला रहे हैं, इसलिए हम आपको इसलिए हम इसकी नॉलेज रखते हैं। तो गाइस क्या है कि इसे अगर आप ले लेंगे ये पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम लगभग 100 रुपये का आता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिस्टम आ रहा है 100 रुपये का। देख लें ध्यान से, आराम से लगा लें, पायदान में एक बार लगाएंगे तो फिर हमारे पायदान में बार बार छर्रे निकल जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, देख सकते हैं पायदान कुछ प्रॉब्लम ये हो जाती है, देख सकते हैं इस तरीके से इसमें छर्रे निकल जाते हैं, हमने यहाँ पर लगा लिया तो यहाँ पर एकदम ये हमेशा के लिए यहाँ के लिए तो सही हो गया, लेकिन यहाँ वाला धुरा बदलना बाकी है। तो क्या करने है? इसके लिए यहाँ पर ये वाला बोल्ट खोल लेना, पहले पहिया को निकाल के बाहर कर लेना है यहाँ से खोलकर, उसके बाद ये निकाल कर धुरा इसे निकाल कर और धुरे को हल्की ठोंक मारेंगे ये निकल जाएगा और दूसरा धुरा इसमें अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा महंगा नहीं है बिल्कुल, देखा जाए तो बहुत ही सस्ता है लेकिन बहुत ही काम का, ये पूरा सिस्टम इतना पूरा सिस्टम 100 रुपये का आ जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको सिर्फ ये वाला सिस्टम ही 100 या 120 रुपये का मिलेगा, सिर्फ इसकी बात करें 100 या 120 से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी देख चुके हैं फुटकर रेट में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो चलिए जिस पूरा मिलाकर ये 100 रुपये का सिस्टम जो हो गया और सेकंड जो हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं अगर आपकी मशीन की शटल कट जाए तो दो तरीके की शटल आती हैं, कौन कौन सी आती हैं चलिए दिखाते हैं। नंबर वन एक ये होती है, ठीक, इसे हाफ शटल बोलते हैं, जो कि हमारी छोटी मशीन में लगती है, जे पुर्जे सभी हमने छोटी मशीन के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये हमारी हाफ शटल है, तो अभी हम बताएंगे कि ये है हमारे पास जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल है, देख सकते हैं अभी आप क्या पहचान करेंगे, कुछ पहचान नहीं होती, लेकिन हाँ ये लोकल है और ओरिजिनल आपको दिखाते हैं, तो ध्यान से देखें वीडियो को। तो देख सकते हैं ये इसमें पीछे कंपनी पड़ी हुई है, MK कंपनी, देख सकते हैं ये हमारा पुर्जा है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आप चलो आपको डेट बता देते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इससे हमारी मशीन धागा जब काटने लगे, ध्यान रखें जब धागा काटने लगे या सिलाई छोड़ने लगे, कभी कभी ऐसी हो जाती है सिलाई छोड़ने लगे या धागा काटने लगे, ज़्यादातर तो धागा काटने लगे या कट जाए तो अंदर ज़्यादा कटर कटर की आवाज़ आने लगती है, जब इस तरीके से हिलाएंगे तो काफ़ी स्पेस हो जाती है उसके अंदर, तब इसे डाला जाता है। वैसे तो ये बिल्कुल सही है और ज़्यादातर इसे ज़्यादा जल्दी यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको इसके प्राइस ज़रूर बता देंगे, इसके प्राइस हैं ये
ये आपको मार्केट से मिल जाएगी लगभग 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक की। ये लोकल वाली मिलेगी लगभग 40 रुपये की, और ये वाली मिल जाएगी 60-65 रुपये की मार्केट से ओरिजिनल, ठीक है। आप चाहें 80 की मिले या 100 की मिले, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको प्राइस हमें बताना ज़रूरी था। चलिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मार्केट से जाकर ला सकते हैं इसे। कभी कभी देखा होगा आपने कि धागा भरने वाली रबड़ गायब हो जाती है या ख़राब हो जाती है या खो जाती है, तब हमें क्या करना है, तब हम मार्केट से जाकर ये वाली रबड़ें ले सकते हैं। 5 रुपये की एक रबड़ पड़ती है, 5 की एक क्या लगभग 20 रुपये की एक दर्जन, 20-25 रुपये की एक दर्जन आ जाती हैं ये वाली रबड़ें, ठीक है। हमारी मशीन के दांत घिस जाते हैं, देख सकते हैं, ये दांत वाला सिस्टम है। थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जब हमारी मशीन दांत कट जाते हैं ना, तब हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती और इधर उधर तिरछा बिरछा बढ़ाती है, या फिर बिल्कुल चिकने पड़ जाते हैं दांत, तब हमें ये दांत लेके आना है मार्केट से। पहले ही ला के रख लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 20 रुपये के आ जाते हैं। वैसे आपको अगर डलवाएँगे जाके तो कम से कम 60-70 रुपये से कम नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है डालना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये भी डालकर दिखा देंगे, लेकिन बस आपको कमेंट करनी है तभी हम आपको दिखाएंगे। तो 20-25 रुपये में कुछ नहीं जाता, लेके आप इसे भी रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्या नंबर है, फिर उसके बाद है, उसके बाद ये नंबर है बूट का, ठीक है। तो ये बूट क्या होता है कि कभी कभी बूट हमारा यहाँ पर घिस जाता होगा, कभी कभी आप देखना अपनी मशीन को खोलकर, बूट को खोलकर देखना, तो यहाँ पर गड्ढे नुमा बन जाते हैं, तब हमारी मशीन धागा काटने लगती है। जैसे ही हम कपड़े को उतारते हैं, मतलब सिलाई करके कपड़े को उतारते हैं, तो धागा पहले ही तोड़ देती है। तो ये कारण कहाँ से होता है, हमारे बूट से होता है। तो ध्यान रखें, अगर हमारी मशीन का बूट खराब हो गया है तो बूट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 रुपये का आ जाता है, आपको चाहे जितने का मिले, लेकिन हम ओरिजिनल लेके आए, जो भी पार्ट्स लेके आए ओरिजिनल लेके आए हैं। तो 20 रुपये का पुर्जा आपको कितने का मिलेगा वो आप समझें, लेकिन 20 रुपये मात्र इसके प्राइस होते हैं और आप मार्केट से इजीली ला सकते हैं। तो बस अगर मिस्त्री से डलवाएंगे तो कम से कम 40-50 रुपये 60 रुपये तो मिनिमम ले ही लेंगे। तो आपको ये वाला पुर्जा भी रख लेना है, जो कि यानी कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आए इमरजेंसी में, तो आपकी मशीन अगर धागा तोड़ रही है तो, या फिर धागा काट रही है या कोई प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको इन पुर्जों को लेकर जरूर आना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे सिलाई का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी पटरी। ध्यान रखें, जब हमारी पटरी ख़राब हो जाती है ना, तब क्या होता है कि तब हमारी मशीन या तो धागा काटने लगती है, धागा काटती ज़्यादातर यहाँ पर छेंक से हो जाते हैं पटरी में, चारों तरफ छेंक बराबर छेंक हो जाते हैं, तब हमारी मशीन धागा काटने लगती है। तो आपको पटरी चेंज कर लेनी है, देख सकते हैं, अब आपको लग रहा होगा एक ये हमारे पास पटरी, एक ये पटरी, अब आप खुद बता सकते हैं कौन सी इसमें ओरिजिनल है कौन सी लोकल है। तो आपका आपकी उंगली इस साइड ज़्यादा जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा चमक रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाली ओरिजिनल है, ये वाली लोकल है। अब वही बात है कि जो चीज़ ज़्यादा चमकती है इंसान उसी को अच्छा समझ बैठता है, ठीक है। तो ये वाली ओरिजिनल नहीं है, ये वाली लोकल है, ये वाली ओरिजिनल है, देख सकते हैं, कंपनी की बात होती है, ठीक है, ये कंपनी देख सकते हैं, कंपनी है, यहाँ पर कोई कंपनी का नाम निशान नहीं है और कुछ भी नहीं, कहीं पर भी कंपनी नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कंपनी की है, ओरिजिनल है, लेकिन ये कलर भले ही इसका डल हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा चलेगी और ये कम चलेगी, तो ध्यान रखें। और रेट भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक आती है 20 रुपये की, एक आती है 25 या 30 रुपये की समथिंग, 30 रुपये की मिल जाए अच्छी बात है, ये 25 रुपये की मिले तो भी अच्छी बात है। तो गाइज, ये चीज़ें, ये पार्ट्स आपको हमने बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो लास्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है हमारा, जब हमारी मशीन का डंडा गड़बड़ हो जाता है, इसे डंडा बोलते हैं, सुई वाली जो रॉड होती है वो बोलते हैं। तो अगर जब ये कट जाती है तब आप इसे ला सकते हैं और आराम से डाल दें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती इसमें। और ये 20-25 रुपये से लेकर 25 रुपये का लगभग मिल जाता है, 25 से 30 का मिल जाए तो बहुत ही सही है और सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई जानकारी चाहिए या आपकी कोई प्रॉब्लम है मशीन से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। भाई, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट करें और जो भी समस्या है आप हमें लिखें, हम उसी के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। तो जो भी माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपकी लाइक की वजह से ही हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।